मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र वीएम वत्स आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में केंद्रम योग पर चर्चा की, आज उसी से संबंधित एक और योग पर हम चर्चा करते हैं, यानी सुनफा योग। सुनफा योग क्या होता है? ये चंद्रमा से संबंधित योग है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। सुनफा योग में उत्पन्न जातक धार्मिक शास्त्रों को जानने वाला, स्वयं धन अर्जन करने वाला, लक्ष्मीवान, बुद्धिमान, यशस्वी व राजा के समान होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बतलाया गया है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि मंगल हो तो जातक प्राकर्मी, धनी, सुदृढ़ वाणी वाला, थोड़ा सा और हिंसक व पाखंड का विरोध करने वाला होता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव में बुध हो और सुनफा योग बने तो जातक वेद शास्त्र, संगीत आदि को जानने वाला होता है। वो कवि भी हो सकता है, सुंदर शारीरिक हो सकता है और वो सबका हित चाहने वाला होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि सुनफा योग गुरु के योग से बने तो जातक बहुत सारी विद्याओं को जानने वाला, प्रसिद्ध आचार्य, सर्वप्रिय व धनी होगा। यदि सुनफा योग शुक्र के द्वारा बनी, यानी चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र हो तो जातक संपत्ति वाला, धनी, वैभवशील, वाहन आदि से सुसज्जित, धन आदि से सुसज्जित होगा। यदि सुनफा योग शनि के योग से बने, यानी चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि शनि हो तो जातक चतुर, धनी और सभी द्वारा पूजित होता है। वह कार्यशील होता है, अपने कार्य में निपुण होता है, उसमें धैर्य होता है, वह धनी होता है। तो मित्रों, ये सुनफा योग था जो हमने संक्षेप में चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।